Hello, welcome towards same topic, and now today it is going to be one of very unique problems concerned again about same topic, that is in, you have to make uses of properties of determinant in solving various determinant. तो आपको जो प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है, लेट वी चेक. यहाँ पे डेल्टा आपको क्या दिया है, माइनस ऑफ टू ए प्लस बी ए प्लस सी, देन ए प्लस बी माइनस ऑफ टू बी बी प्लस सी, देन ए प्लस सी बी प्लस सी माइनस ऑफ टू टाइम सी. आपने वेरीफाई करना है दिस वैल्यू इज इक्वल टू फोर टाइम ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाई दिस प्रॉब्लम इज यूनिक. यहाँ पे आपको जो है कुछ एक सेटअप्स अपने आप जनरेट करने पड़ेंगे. इसको सॉल्व करने के वैसे मल्टीपल वे हैं, देयर टू और थ्री ऑप्शंस, बट मैं इसमें से सबसे आपके पास सिंपल ऑप्शन है वो लेके चल रहा हूँ फिलहाल के लिए. लेट यू थिंक व्हाट आई एम सेइंग हियर. देखो देयर इज वन थिंग दैट इज हैपनिंग हियर. इफ यू विल चेक, ये दोनों एंट्रीज यहाँ पे सेम है, ए वन टू एंड ए टू वन दे हैव बीन सेम, ए वन थ्री एंड ए थ्री वन दे हैव बीन सेम, ए टू थ्री एंड ए थ्री टू दे हैव बीन सेम. फाइन, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को हम रिप्लेस करके एक न्यू वेरिएबल में इसको लेके चलते हैं. लुक व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, हम एक काम करते हैं. सपोज मैंने ए प्लस बी को यहाँ पे एक्स मान लिया, देन मैंने यहाँ पे ए प्लस सी को क्या एज्यूम कर लिया वाई, एंड देन बी प्लस सी को से मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया जेड. दैट इज वन थिंग आर डन. एक काम करते हैं, सपोज मैं इन तीनों को यहाँ पे ऐड कर दूँ. अगर मैं इन तीनों को यहाँ पे ऐड किया तो क्या आएगा, लुक ए प्लस ए टू टाइम ए, बी प्लस बी टू टाइम्स बी, एंड देन सी प्लस सी टू टाइम्स सी इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड. दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर. नाउ व्हाट यू नीड टू डू, लुक आई एम गोइंग टू डू वन थिंग हियर. अब आपको ये पता है टू ए प्लस टू बी प्लस टू टाइम्स सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. फाइन, ये एक रिलेशन है जो हमने फिलहाल के लिए यहाँ पे निकाल के रख लिया. वेट, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2a ए प्लस टू बी प्लस टू टाइम्स सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या x प्लस वाई प्लस जेड. एक्चुअल में आपको करना क्या है, आई विल मेक यूज ऑफ दिस रिलेशन अगेन एंड अगेन. थ्री टाइम आई नीड टू कंसिडर दिस रिलेशन हियर. वाई, व्हाट इज द रीजन आई एम राइटिंग दिस वे. लुक, मेरे को करना क्या है, आई नीड टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज राइट हियर. कौन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं जो मैंने यहाँ पे एज्यूम किए हैं. लेकिन अगर आप इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, लुक व्हाट आई एम सेइंग नाउ, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे क्या बनेगा, ए प्लस बी. ओके फाइन, ए प्लस बी का वैल्यू क्या एक्स है, ए प्लस बी का वैल्यू क्या एक्स है, हम एंट्रीज को ऐसे फिल कर रहे हैं. ए प्लस सी का वैल्यू क्या है, डेट इज वाई. ए प्लस सी का वैल्यू क्या है, वाई. देन बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, जेड. यहाँ पे जेड, एंड यहाँ पे भी क्या है आपके पास, जेड. ये डायगोनल वाले एंट्रीज रहेंगे. फाइन, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, मैंने ए बी और सी को यहाँ पे एक्स वाई जेड की फॉर्म में ऐसे लिख लिया. नाउ व्हाट अबाउट द अदर एंट्रीज हियर जो रहती हैं, टू ए टू बी टू टाइम्स सी, इनको हम यहाँ पे इवेल्यूएट करेंगे. वो यहाँ से इवेल्यूएट होंगे, कैसे होंगे, देखो सपोज मेरे को टू टाइम्स ए को निकालना है, आई विल कीप दिस वन एज सच. ठीक है, इन दोनों में से टू कॉमन निकाल लो. व्हाट इज द वैल्यू बी प्लस सी हियर, बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, लुक बी प्लस सी का वैल्यू है यहाँ पे जेड. तो व्हाट डू वी गेट, टू टाइम ए का वैल्यू क्या आ गया, ये वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो अगर ये टू टाइम ए का वैल्यू है तो माइनस ऑफ टू टाइम ए का वैल्यू क्या आएगा, चेंज द साइन, इट विल बिकम जेड माइनस एक्स माइनस वाई. आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, बट आई एम सेइंग हियर. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो टू टाइम ए का वैल्यू निकाला था, मेरे को माइनस ऑफ टू टाइम ए चाहिए था, तो मैं आई हैव मल्टीप्लाइड विद माइनस साइन, तो यहाँ पे दोनों माइनस और ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. नाउ सेम पैटर्न पे लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड गेटिंग वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ टू टाइम बी. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू टाइम्स बी फ्रॉम हियर, लेट वी चेक. दिस हैज बीन कैप्ट एज सच, आई कैन टेक टू कॉमन फ्रॉम हियर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस सी फ्रॉम हियर, दैट इज इक्वल टू वाई, एंड अकॉर्डिंगली इफ यू वांट टू गेट टू टाइम्स बी फ्रॉम हियर, दैट विल टर्न आउट टू इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड. And therefore, I can write minus of 2 times b equal to y minus x minus z. And finally, I'm coming across this part. I need to get 2 times c here. So what is 2 times c? I can from here take 2 as a common term. I'll be getting a plus b. A plus b is your x. It is equal to x plus y plus z. So 2 times c is equal to minus x plus y plus z. So that will now turn out to be equal to accordingly x minus y minus z.
क्योंकि यहाँ पे आगे नेगेटिव साइन है, तो यू हैव टू चेंज द साइन एवरीवेयर. नाउ दिस इज समथिंग आर डन. ओके, आई थिंक बहुत ही आसान सा काम है. अभी तक हमने सिंपल एक इंटरनल कन्वर्जन किए हैं, मतलब जो एक्सप्रेशन मेरे पास ए बी और सी में था उसको मैं यहाँ पे एक्स वाई और जेड में फिलहाल के लिए लेके आ रहा हूँ. व्हाट इज द एडवांटेज, लेट वी चेक. नाउ लुक, अब मेरे को आगे ऑपरेशन अप्लाई करनी है. व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या माइनस एक्स, यहाँ पे क्या माइनस वाई. व्हाट आई एम गेटिंग हियर, एक्स एंड वाई. सपोज आई एड बोथ ऑफ देम, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, एक्स प्लस वाई. एंड अगर मैं वो सम यहाँ पे ऐड कर दूँ तो क्या होगा, ये एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, खत्म. आई विल बी लेफ्ट विद ओनली जेड. तो मतलब एक्सप्रेशन पहले से और छोटा बन रहा है. तो व्हाट यू नीड टू डू, आप आर वन में लेट यू ऐड आर टू एंड आर थ्री. लेट दिस ऑपरेशन बी इम्प्लीमेंटेड हियर. तो अगर आपने ये ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट किया, व्हाट आर वी गेटिंग, लेट यू चेक नाउ. आर वन में इन दोनों को बच्चे ऐड करना है, लेट वी ऐड बोथ ऑफ देम. तो x और y दोनों कैंसिल हो गई, यहाँ पे क्या बचेगा, z. अब इसमें इन दोनों को ऐड करना है, तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे, लुक व्हाट विल बी हैपनिंग, यहाँ पे जब आपने ऐड किया x और x कैंसिल, देन z और z कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली y. कमिंग टुवर्ड द फाइनल पार्ट, यहाँ पे y में आपने इन सबको ऐड करना है, तो y भी कैंसिल, z भी कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, x. आर वी गेटिंग x ओनली. अब यहाँ पे क्या रहेगा, x, यहाँ पे y माइनस x माइनस z, देन यहाँ पे z, देन y, z, x माइनस y माइनस z. नाउ द ओनली थिंग वेयर यू नीड टू बी केयरफुल, इसको मैं आगे और नहीं सिंप्लीफाई कर सकता, क्योंकि और कोई ऑपरेशन ही नहीं है जो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करे. अगर आप कोई एक वैल्यू को ऑपरेशन लगा के छोटा बनाएंगे तो कोरस्पॉन्डिंगली दो या तीन बड़े बन जाएंगे. तो अब आपने करना क्या है, एग्जैक्टली इसी लेवल पे हम इसको एक्सपेंड कर देंगे. फाइन, तो वो एक्सपेंशन आपका लेंदी जाएगा, उसको आपने देख के चलना है. तो अगर मैंने इसको एक्सपेंड किया, यहाँ पे एक्सपेंशन करके क्या आएगा, लेट यू चेक. नाउ दिस विल बिकम, आई एम एक्सपेंडिंग इट बाय आर वन जेड इन टू, यस, व्हाट डू वी गेट, इन दोनों का प्रोडक्ट, वाई माइनस एक्स माइनस जेड इन टू, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट आगे, माइनस जेड स्क्वेयर. दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर. अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए ये वैल्यू बन रही है. अब चलते हैं आगे, आगे क्या आएगा, माइनस ऑफ वाई इंटू, ये वाई है आपका, ठीक है, तो एक्स इंटू यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड. ओके, तो जब आप यहाँ पे इसको लेके चलेंगे, लुक आई कैन री राइट सो डेट यू कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग हियर. हम यहाँ पे सेकेंड जो है एलिमेंट की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ये और ये रह गए, इसको एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एंड देन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई वाई विद जेड, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वाई इंटू जेड, एंड कमिंग टुवर्ड प्लस एक्स इंटू, नाउ व्हाट यू विल गेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स जेड, एंड देन यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, वाई इंटू, यहाँ पे क्या आएगा, वाई माइनस एक्स माइनस जेड. एंड नाउ दैट इज समथिंग वी नीड टू सिंप्लीफाई. ओके, इट लुक्स लेंथियर, बट देन एट 12th लेवल ये ऐसे ये कैलकुलेशन है जो आप इजी वे में परफॉर्म कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो. तो अब इसको हम सोल्व करके देखते हैं. अगर हमने इसको सोल्व किया, नाउ लेट वी सी व्हाट डज दिस बिकम हियर. चेक करते हैं बच्चे इसको. लुक, पहला पार्ट यहाँ पे z, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एक्स माइनस y पावर 2 माइनस y इंटू जेड, देन माइनस x पावर 2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे x y आएगा, देन आपके पास यहाँ पे ये माइनस x माइनस z, यहाँ पे क्या बचेगा, x z, देन मल्टीप्लाई y माइनस z माइनस जेड एक्स, देन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस z y, देन प्लस यहाँ पे z पावर 2. लुक, मल्टीप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे किसी को भी. हमने यहाँ पे क्या किया, देखो, y इंटू एक्स, देन y इंटू माइनस वाई, वाई इंटू माइनस एट, माइनस एक्स इंटू एक्स, माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, देन माइनस जेड एक्स, देन माइनस माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस, देन माइनस माइनस प्लस यहाँ पे बन गया, माइनस यहाँ पे क्या पड़ा है, जेड स्क्वेयर एट द वेरिएंट फिलहाल के लिए. कमिंग टू सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड आपके पास यहाँ पे टर्म है, यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वाई जेड, टू बी केप्ट एज सच, एंड देन फाइनली एक्स टाइम्स, इसको चेक करते हैं, एक्स जेड, यहाँ पे क्या आएगा, लुक, माइनस है यहाँ पे,
वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, ये माइनस वाई एक्स प्लस वन जाएगा, बी वेरी केयरफुल, देन अगेन माइनस वाई जेड विल बिकम प्लस वाई जेड, आई एम रीचिंग अप टू हियर। जब इतना कम हो गया, अब इसको सोल्व करके देखते हैं, लुक यहाँ पे z पावर 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कोई और टर्म जो आप यहाँ पे इनसाइड कैंसिल कर सकते हो, वी हैव टू चेक एक्स जेड विद माइनस एक्स जेड वाई जेड विद माइनस वाई जेड, तो व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, लेट मी चेक, लुक ये क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करो z x y, यहाँ पे क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ पे फिर क्या आएगा प्लस एक्स वाई जेड कमिंग अक्रॉस दिस पार्ट, माइनस वाई एक्स पावर टू, माइनस माइनस यहाँ पे क्या बनेगा प्लस एक्स इंटू वाई पावर टू, आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई जेड, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा वाई इंटू जेड स्क्वायर, देन फाइनली यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर जेड, देन माइनस एक्स वाई पावर टू, देन इट विल बी एक्स स्क्वायर वाई, एंड फाइनली इट is going to be x, y, z. Now let you check if there is anything you can cancel throughout. ये अब हमने यहाँ पे चेक करके चलने की क्या यहाँ पे कोई टर्म्स कैंसिल होती हैं, आप चेक करेंगे, फिर देख लो यहाँ पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जेड एक्स वाई, देन यहाँ पे जेड वाई स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यहाँ पे साइन चेंज होंगे माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई किया एक्स वाई स्क्वायर, देन यू मल्टीप्लाई राइट हेयर y into x z, x y z, then y into y z, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, it should be, ये क्या बनेगा y square z, ये यहाँ पे y square z आपके पास बन जाएगा, and finally we are coming across, यहाँ पे क्या आएगा x power 2 into z, then यहाँ पे x y square, then यहाँ पे x square y, then x y z, and now let me simplify it, look what is going to happen, ये minus y square z plus y square z, x square z, then minus x y square with plus x y square and x square y with minus x square y. I'll be getting x y z 4 times, so that become 4 times x y z. And then what is the value of x y and z? That is the value we had assumed. So yahan pe kya aayega? 4 times a plus b, b plus c and c plus a. So that is something you are going to get. अगर आप यहाँ पे x, y, z की वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको वही वैल्यू मिल जाएगी जो कि आप लोग यहाँ पे चाहते हो. फाइन, दैट इज हाउ यू कैन मेक इट हैपन, यू कैन सिंप्लीफाई दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट इफ यू आर गिवन देयर. फाइन, तो ये आपके पास यहाँ पे जो है कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसको आप यहाँ पे अच्छे तरीके से एक ट्राई कर सकते हैं. फाइन, देन आपको यहाँ पे suppose now we have been given here look we have been given a plus b plus n times c n times a minus a n times b minus b n times c minus c b plus n times a n times b minus b, n times c minus c, n times a minus a, c plus n times b, that is equal to n times a plus b plus c whole cube. That is something I want to evaluate here. मेरे को यहाँ पे इसको verify करना है. तो अब अगर आप यहाँ पे इसको check करेंगे, now this is going to be one of easy problem, okay? Irrespective of कि आपके mind में यहाँ पे ये click करता है कि नहीं. देखिए, अगर मैं C1 में C2 और C3 को ऐड कर दूं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, लेट यू चेक. अगर मैं इसमें इन दोनों को ऐड किया तो यहां पे माइनस है माइनस बी, माइनस है माइनस बी, ये दोनों आपस में यहां पे क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहां पे व्हाट आई विल गेट n टाइम c n टाइम a n टाइम b, अगेन सेम पैटर्न पे यहां पे माइनस बी माइनस ये माइनस बी माइनस सी, दे विल गेट कैंसिल विद b एंड c हियर, तो आई विल बी गेटिंग n टाइम a n टाइम b n टाइम c अगेन n टाइम a n टाइम b n टाइम c, इट इज n टाइम a माइनस a b प्लस c प्लस n टाइम a माइनस a n टाइम b n टाइम्स b माइनस b c प्लस a प्लस n टाइम्स b, दिस कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म,
So n time c plus n time b plus n time a has been taken out. I'm getting triple one n time a minus a, b plus c plus n time a minus a, n time b minus b, n times b minus b, c plus a plus n times b. And now you need to subtract. Look, ये 3-1 बन चुके हैं, आपको पता है. तो अगर ये 3-1 बन चुके हैं, अब आपने इन दोनों को क्या बनाना है? जीरो बनाना है. वही काम है आर टू माइनस आर वन, आर थ्री माइनस आर वन. तो वट इन ऑल वी गेट आर टू माइनस आर वन, आर थ्री माइनस आर वन. चेंज विल टेक प्लेस इन आर टू एंड आर थ्री. तो अकॉर्डिंगली वट डू वी गेट? ये यहाँ पे क्या बनेगा? एन टाइम सी, एन टाइम बी, एन टाइम ए. नाउ आई विल बी लेफ्ट विद वन, एन टाइम ए माइनस ए, एन टाइम्स बी माइनस बी. अब चलते हैं आगे. 1 माइनस वन यहाँ पे क्या आएगा? जीरो आएगा. अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे, बच्चे चेक कर सकते हो, आई बी गेटिंग ए प्लस बी प्लस सी. यहाँ पे एन टाइम ए कैंसिल हो जाएगा तो बी प्लस सी प्लस ए बन जाएगा. ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, दोनों सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास? जीरो आ जाएगी. अब आर थ्री माइनस आर वन, वन माइनस वन, यहाँ पे जीरो आ गया. इसमें से ये माइनस किया, यहाँ पे जीरो आएगा. सी प्लस ए प्लस एन बी में से इसको माइनस करेंगे, आर बी गेटिंग सी प्लस ए प्लस बी. एंड फाइनली यू हैव टू एक्सपेंड इट बाय सी वन, एक्सपेंड इट बाय सी वन. तो यहाँ पे क्या आएगा? एन टाइम सी, एन टाइम बी, एन टाइम ए. तो अगर सी वन के थ्रू आपने इसको एक्सपेंड किया, आर बी गेटिंग ए प्लस बी प्लस सी होल पावर टू. फाइनली यू कैन टेक एन कॉमन फ्रॉम हियर, ए प्लस बी प्लस सी. एक ये पड़ा है, दो ये पड़े हैं, तो टू टाइम वहाँ पे है, तो ये क्या बन जाएगा? क्यू. That is how you can get the value right here. Fine. So in this module, we are doing only this much. Okay. And then upcoming modules से हम लोग जो यहाँ पे काम करेंगे, we will be moving towards second level of determinant, जिसमें हम minor, cofactor, adjoint and inverse, इन चारों के regarding बात करेंगे. Fine. Thank you.